वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मुख्य सेविका की रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉब प्रोफाइल क्या है। और आप सबको पता होना चाहिए कि यूपी में जो वैकेंसी आया हुआ है 2693 पोस्ट, उसमें जो है आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य सेविका का कार्य क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि इसमें जो आपके 50% या 60% या 75% जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले ना मुख्य सेविका की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एंड चाइल्ड एंड मदर जो रेडटेक है उससे रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके 60% या 75% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपको जो है बुक मैंने रेफ़र कर दी ऑलरेडी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मुख्य सेविका की जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्क क्या है, ठीक है। तो पहला जो काम है मुख्य सेविका के वो है पर्यवेक्षी जिम्मेदारियाँ, ठीक है, सुपरवाइजरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा जो काम है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का परीक्षण और मार्गदर्शन करना, ठीक है, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर। तीसरा जो काम है वो बैठकों का आयोजन और संचालन, ठीक है, तो हेल्थ वर्कर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्टिंग मीटिंग। और नेक्स्ट जो काम है वो क्षेत्र यात्रा की आवधिकता और रिपोर्टिंग, एरिया प्रियोडिसिटी ऑफ विजिट एंड रिपोर्टिंग। और नेक्स्ट काम जो है वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण शिक्षा, संचारी रोगों का नियंत्रण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन। और नेक्स्ट काम है गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति, महत्वपूर्ण घटनाएं, स्कूल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय रोग निगरानी कार्यक्रम देखना, सार्वजनिक स्वास्थ्य जिम्मेदारियां, प्रशासनिक जिम्मेदारियां, पर्यावरण की स्वच्छता, रिकॉर्ड और रजिस्टर बनाए रखना, परिवार और गाँव के रिकॉर्ड का रख रखाव, क्षेत्र स्तरीय सेवाएं जैसे क्लिनिक में देखभाल, समुदाय में देखभाल, पोषाहार सेवाएं, प्रतिरक्षा, समय समय पर अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य। मुख्य सेविका का दैनिक कार्य भी है डेली रूटीन का, ठीक है, तो वह है किसी समुदाय या लक्षित क्षेत्र में व्यक्तियों की विशेष स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पहचान करना और सामान्य स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित मुद्दों पर समुदाय को सलाह देना, देखभाल से संबंधित मुद्दों पर समुदाय को सलाह देना, प्राथमिक चिकित्सा जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, स्वच्छता या स्वच्छता से समुदाय संबंधित सामुदायिक मुद्दों जैसे फ्लोसिंग या हाथ धोने की सलाह देना, सरकारी एजेंसियों या स्वास्थ्य प्रदाताओं के साथ व्यक्तिगत या सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए वकील, और समुदाय के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं या जानकारी से संबंधित सांस्कृतिक मध्यस्थता की व्याख्या करना, अनुवाद करना या प्रदान करना, सामुदायिक मुद्दों को समझने या समुदाय के सदस्यों के साथ संबंध बनाने के लिए सामुदायिक बैठकों या स्वास्थ्य मेलों में भाग लेना, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं या अन्य उच्च जोखिम वाली व्यक्तियों की प्रगति की निगरानी या उनकी जरूरतों का आकलन करने के लिए घर का दौरा करना, लक्षित समुदाय के सदस्यों को सूचित करने के लिए फ्लायर्स, ब्रोशर या अन्य सूचनात्मक या शैक्षिक दस्तावेज वितरित करना, बचपन के महत्व की माता पिता की समझ सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक समूह को सलाह देना। तो ये सारे काम ही जो है मुख्य सेविका के हैं, ठीक है, दैनिक काम भी बता दिए हैं और जो परमानेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। तो अब जो भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहा है तो उसको जो है जॉब प्रोफाइल के बारे में पता चल ही गया होगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं या आपके जो है सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं उनको जो है गाइडेंस करने का काम भी जो है मुख्य सेविका का ही होता है या महिला सुपरवाइजर का ही होता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है आपको इन्हीं सभी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है इनसे रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। और उसके लिए जो है मैं ऑलरेडी आपको बुक बता चुका हूँ, ठीक है, एक बार जो फिर है मैं आपको बुक बता देता हूँ कौन सी बुक मंगवानी है। और अभी जो है ऑफिशियल जो सिलेबस है वो अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही अपडेट होगा तो उसके ऊपर सबसे पहले जो है हमारे चैनल पे आपको अपडेट दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार जो है मैं फिर आपको बुक बता दूँ।
तो दोस्तों जो है आप मुख्य सेविका के लिए जो है ये वाला बुक मंगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 75 के समथिंग जो है आपसे मुख्य सेविका की जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यूट्रिशन जो है एंड मदर एंड चाइल्ड जो उनसे रिलेटेड योजनाएं हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार की, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसी बुक रहेगी जिसी में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 75 नंबर का जो मैटर रहेगा इसी बुक में मिलेगा, बाकी किसी भी बुक में आपको किसी भी पब्लिशर की बुक में या किसी भी राइटर की बुक में नहीं मिलने वाला, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। क्योंकि हमने जो है इस बुक में जो मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, अदर स्टेट में किसी भी स्टेट में अभी तक की जो भी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, मुख्य सेविका की, महिला सुपरवाइजर की, आंगनबाड़ी वर्कर की, उन सभी भर्तियों का एनालिसिस करके उनका एग्जाम पैटर्न देख करके उसके बाद जो है ये बुक रेडी किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके बाल विकास सेवा एवं पुष्टागार से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस है, तो आपको जो है इस भर्ती में जो अगर सलेक्शन लेना है तो आप ये बुक जो है अमेजन से मंगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही सिलेबस अपडेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड की जाएगी। अभी हमने जो है 75 नंबर का मैटर तो जो है एकदम कंप्लीट है, ठीक है। बाकी 25 नंबर का मैटर अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होता है तो 25 नंबर का मैटर जो है वह और एक्स्ट्रा इसमें जो है एक दो दिन में ऐड कर देंगे। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो बुक है आपके आने वाली सक्सेस की पब्लिशर के थ्रू आने वाली है दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।